इंदिरा गांधी स्टेडियम में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की गई। इस मौके पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 25 दिव्यांगों को स्कूटी दी। अलवर जिले में अब तक 110 दिव्यांगों को स्कूटी दी जा चुकी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूटी का वितरण अलवर जिले में दिव्यांगों को किया गया है। 25 स्कूटी विधायक कोष के माध्यम से दी गई है। दिव्यांग को स्कूटी के साथ हेलमेट भी दिया गया है। मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार दिव्यांगों को फायदा पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले बजट में सरकार ने 2000 स्कूटी प्रदेश में दिव्यांगों को वितरित की थी। इस बार 5000 स्कूटी वितरित करने की घोषणा सरकार ने की है। इसके अलावा दिव्यांगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकार गंभीर है। जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को कि जिन्होंने दिव्यांगजनों के लिए 2000 स्कूटी पिछले बजट के अंदर दी थी और 5000 स्कूटी इस बजट के अंदर दी है। उसी कड़ी के अंदर हमने आज दोबारा अलवर के अंदर स्कूटी बांटी है और आने वाले समय में और भी स्कूटी हम बांटेंगे। काफी अच्छा मैसेज दिव्यांगजनों के अंदर है, इनके पेंशन का, इनको बीपीएल के समान सुविधाएं देने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार 2 कॉलेज दिए और अब की बार दिव्यांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी दी है। बाबा आमटे यूनिवर्सिटी जामडोली के अंदर जो बन रही है उसकी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है और साथ ही साथ जो हमारे ट्रांसजेंडर भाई हैं उनके लिए भी यूनिक आईडी शुरू की है और 10 करोड़ रुपए का बजट के अंदर प्रावधान किया है इस समाज को समाज की मुख्य धारा के अंदर लाने के लिए। तो वो प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं।